अज सूरतान साहब के या एजीसी के पदाधिकारी हैं बेचारे साहब 16 महीना से जो सैलरी नहीं मिला है उसने एक आवेदन लेके आया है उनके पास और सूरतान साहब जी ने उनको वादा किया कि हम हर तरीके की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ का डायरेक्टर महीना में 2 महीना में एक बार दिखा दिया जाता है, भागा रहता है जैसे इन लोगों का कहना है। अब बेचारे को राशन तक नहीं मिल रहा है, राशन दुकान जाते हैं वो सब कर्जे में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं एचईसी से भी और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मोदी जी से और जो अमित शाह जी उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर ध्यान दें और ये मदर इंडस्ट्री है इसको बचाएं, ये बहुत पुराना इंडस्ट्री है। मैं देवान सर, एचईसी से आपका जुड़ाव शुरू से ही हम लोगों ने देखा है, वर्तमान एचईसी की स्थिति में क्या कुछ कहेंगे, लोग परेशान है, 16 महीने से सैलरी नहीं आ रही। मोदी जी के देश में जो बहुत विकास हुआ है 9 बरस का ढिंढोरा पीट रहे हैं उसका नमूना एचईसी है। जो इस देश को बनाने वाला विकास में जिसने इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाया, उद्योग बनाने वाला उद्योग को गला रेत करके मोदी सरकार मार रही है। यहां जो आए हुए हैं वो क्यों आए हुए हैं डायरेक्टर, मुंह छुपा के भागते हैं। अगर तीन तीन इसका जो चेयरमैन है वो शायद 2-2.5 साल हो गया ना सर, है मोर देन दैट, मोर देन दैट, 3-4 साल में शायद 3 बार भी नहीं आया है। तो ये है नियत और नीति केंद्र सरकार का। मेरे जीवन में मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह एचईसी को नुकसान हो पाए। 2 सरकारों में 72 दिन का स्ट्राइक और 2-2, 3-3 बार रिवाइव किया, लेकिन जब बचाने वाला ही मारने पे तुला है तो क्या करेंगे, इतने दिन का वेतन और यहाँ अपने पीएफ का पैसा भी देने वाला कोई अवसर नहीं है क्योंकि वो भागा हुआ है, आता ही नहीं है। उससे लोग जीने अपना किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं पीएफ से पैसा। दिस इज सिचुएशन। मैं समझता हूं कि एचईसी के लोग और रांची के लोग को जवाब मांगना चाहिए। इस राज्य का जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लगता है गूंगा बहरा अंधा है कि कहीं कोई भी स्तर पर एचईसी के सवाल सरकार में नहीं उठा रहा है। सर, आपने जब भी कोई मुसीबत आए एचईसी में, शुरू से मैं देख रहा हूँ, हम लोग भी बचपन से जान रहे हैं, शुरू से देख रहा हूँ कि आप एनी टाइम उठाए और एचईसी को बचाए हैं। अब क्या है सर, अब आपका मैं तो कह रहा हूँ कि बचाना है जो न्याय देता है उससे, जो न्याय देने वाला ही मारने पे तुला हो। अपने जानते हम बाज नहीं आए हैं और बाज नहीं आएंगे। मैं करता हूँ, देखता हूँ लास्ट प्रयास क्या होता है, कम से कम वेतन तो मिले। जो वेतन धारी लोग हैं उसकी क्या स्थिति है यहाँ, इसका कल्पना से परे। सर, एचईसी में आप लोग कार्यरत हैं, हम लोग न्यूज के माध्यम से भी देखा कितने महीनों से आप लोग आंदोलन भी किए, नेताओं के पास भी गए, क्या कुछ अभी नया अपडेट है? अपडेट यही है कि अभी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि एचईसी को लेकर क्या किया जा रहा है, क्या सोच है अभी मंत्रालय का। और हम लोग का सैलरी अभी 16.5 महीने से डीज हो चुका है, ना सीपीएफ लोन मिल रहा है, सर्वाइवल मुश्किल हो गया हम लोग को। और वापो की स्थिति है कि आगे क्या होगा नहीं होगा समझ नहीं पा रहे हैं, कोई डिसीजन भी नहीं हो पा रहा है, कोई भी सरकार नहीं बता पा रही है कि इसके लिए क्या कर रही है। हम लोग अभी पूरा तरह अभी अधर में है, लटके हुए हम लोग। आप लोग क्या लग रहा है, सेंट्रल की तरफ से कुछ मदद मिल पाएगी? कि सेंट्रल पीएसयू है, करना तो है सेंट्रल को ही करना है, लेकिन अब क्या बोले, अब मदद होगा कि नहीं होगा, कब होगा कुछ सब। भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक का क्या कहना है इस मुद्दे पर, आप लोग मिले होंगे उन लोग से? तो मिले हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं अगला मीटिंग होगा उसमें कुछ होगा, वो भी कुछ क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे हैं हम लोग को कि क्या होने जा रहा है, कब तक होगा, 2-3 साल इसी तक मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा इम्प्लाई को, अभी तो समझ नहीं पा रहे हम लोग। अभी आप यहाँ पर सूरतान साहब जी के आए हैं, हाँ, क्या यही उम्मीद से आए हैं कि अब हम लोग मरता क्या ना करता, जहाँ से भी मदद मिल सके, जो हमारा आवाज बन सके, हम लोग उसी उम्मीद से आए हैं। ये भी कुछ हम लोग अपने लेवल से अगर करें
ये भी हैं जैसे माना जाता है कि पहले दो तीन बार हुआ है तो जन्मभूमि है एक तरह से यहाँ पर एचईसी एरिया में और बहुत कुछ किए हैं पहले हम जान रहे हैं क्योंकि हम सुने हैं देखे भी हैं तो उसी उम्मीद से आए हैं इस बार भी हम लोग आवाज़ बनेंगे कुछ हम लोग भी मर रहे हैं मरने की पोजिशन पर आ गए हैं पूरा एचईसी के एम्प्लाई पर कैसे घर कैसे चल रहा है सब कर्जा में है बीच हर कोई कर्ज में डूब चुका है कोई किसी से कर्ज लिया कोई किसी से लिया है रिश्तेदार उधार भी देना मना कर दिया है दुकानदार वगैरह को मना ही करेगा कितना दिन तक देगा तो अभी कुछ सब कोई अभी जिसका हो रहा है कहीं छोड़ रहा है नौकरी और जिसका नहीं हो रहा है बीच अधड़ उम्र वाला तो कहीं जा नहीं पा रहा है तो डायरेक्टर जो नए डायरेक्टर आए सक्सेना जी के बाद उनका क्या है वो डायरेक्टर लोग वेल से आए हुए हैं तो लोग उतना बोदर नहीं ले रहे हैं किसी के लिए हमको जो लग रहा है क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं उनका व्यू रहते भी नहीं है जनरली।